नमस्कार दोस्तों, ETH चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रीम तो सभी लोग लगाते होंगे, चाहे मर्द हो चाहे महिला, चाहे गोरा हो चाहे काला, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सभी लोग लगाते हैं क्रीम। केवल कुछ ही लोग होंगे जो क्रीम नहीं लगाते होंगे। खैर, उनकी बात छोड़िए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग लगाते हैं, वो क्या कभी सोचे हैं कि जो वो क्रीम लगाते हैं वो उनके स्किन के लिए बेहतर है या नुकसानदायक है? उसमें कितना केमिकल मिला हुआ है, कितना नेचुरल चीज़ें मिली हुई हैं, ये सब जानकारी बहुत कम ही लोग रखते हैं। अधिकतर लोग तो टीवी में, प्रचार में कहीं भी देखे और गए तो बाज़ार से क्रीम लेते आए और उसको लगाना स्टार्ट कर दिया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसा है क्रीम, क्या है इसमें मिला हुआ। उनको बस ये मतलब है, अरे यार इसका प्रचार चल रहा है, बढ़िया क्रीम होगा तभी ना प्रचार चल रहा है। और जब उन्हें नुकसान करता है, उनके चेहरे पर खील, मुहासे, फोड़े, पपोले, फुंसियाँ, ये सब निकलने लगते हैं, तब वो उनको समझ में आता है कि अरे यार गलती कर दी ये क्रीम लेके। तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी उन्हें कुछ दवाइयाँ और क्रीम साबुन देते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप अगर क्रीम या साबुन कुछ भी ले रहे हैं तो उसके कंपोजिशन को ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि उसमें केमिकल चीज़ें कितनी हैं या नेचुरल चीज़ें कितनी हैं। अब एक भी केमिकल कंपोनेंट किसी भी क्रीम में ना डाला हो, ये असंभव है। और बहुत ही कम ऐसी क्रीम होंगी जिसमें एक भी केमिकल ना डाला हो। अब दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर क्रीम हर आदमी को नुकसान करे। कोई क्रीम या कोई साबुन किसी को नुकसान कर सकता है, तो वहीं किसी को नुकसान नहीं करता है। वो आपके बॉडी के नेचर पर निर्भर करता है। तो जो क्रीम आपको सूट कर रही हो या आपके डॉक्टर जो सलाह दे रहे हो, उस हिसाब से आप क्रीम लीजिए। तो दोस्तों, आइए मैं आज आप सभी को कुछ क्रीम्स के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आपको कौन सा क्रीम लेना है इसमें आपको मदद मिल सके। दोस्तों, मैंने इसे चार भागों में बांटा है। चौथे नंबर की लिस्ट सबसे ख़राब लिस्ट है और पहले नंबर की लिस्ट सबसे बढ़िया लिस्ट है। तो चौथे नंबर की लिस्ट में हमारे पास आते हैं, लिस्ट 4 में हमने रखा है येलो फेस क्रीम, हिमालया, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स, ओले, निविया, गार्नियर, लैक्टोकैलामाइन, प्रीटी 24, लैकमेको, लोटस और लोरियल। ये क्रीम्स दावे के साथ कह सकता हूँ अधिकतर लोग लगाते होंगे। आपको बता दें, जो क्रीम्स मैंने बताए हैं उसमें 8 से 10 केमिकल मिले हुए होते हैं। इसमें पैराबिन, स्किन पेनिटेटर्स, प्रिजर्वेटिव्स और कैंसरकारी केमिकल्स मिले हुए होते हैं। इसलिए रोज़ रोज़ इन क्रीम्स को नहीं लगाना चाहिए आपको। विज्ञापनों और प्रचार में जो हीरो हीरोइन आपको क्रीम लगाते हुए, इन सब का प्रचार करते हुए नज़र आते हैं, वो खुद तो ये सब कभी क्रीम लगाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट इसका करते हैं। तो उनके चक्कर में मत पड़िए कि हीरो भी यही क्रीम लगा रहा है और हीरोइन भी यही क्रीम लगा रही है। वो कभी इन क्रीम्स को नहीं लगाते हैं, वो बहुत महंगे महंगे क्रीम्स को लगाते हैं। तीसरे नंबर पे है दोस्तों हमारे पास, लिस्ट 3 में हमने रखा है बजाज के नोमार्क्स, आयुष, पतंजलि ब्यूटी, बायोटेक और वीको टर्मरिक। ये ब्रांड दावा करते हैं कि इनकी क्रीम आयुर्वेदिक हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने इन्ग्रीडियंट्स की जगह क्रीम बेस लिख के सब कुछ छिपा दिया है। जैसे कि आयुष ने अपने इंग्रेडिएंट्स में 90% इंग्रेडिएंट्स दिए ही नहीं हैं, लेकिन जो भी दिए हैं 10% उनमें टॉक्सिक कलर और केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह नोमार्क्स ने भी 86% इंग्रेडिएंट्स लिखे ही नहीं हैं और जो है उसमें मिथाइल और प्रोपाइल पैराबिन शामिल है। और इसी तरह बायोटेक और पतंजलि ने भी 80% इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखा है और इसे क्रीम बेस लिख कर छिपा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रीम बेस में एमुलेंट होता है, जिससे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आपको हो सकता है किसी किसी को। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा बहुत केमिकल तो हर क्रीम में होगा ही होगा। अब किसमें सबसे कम केमिकल है या ना के बराबर केमिकल है, वो आपको देख के लेना पड़ेगा। और वीको टर्मरिक की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि हमारी जो ये क्रीम है पूरी पूर्णतया से आयुर्वेदिक है, इसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और बेस भी इनका क्रीम बेस नहीं है, नॉन ग्रीस फोम बेस में है। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो सोडियम मिथाइल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्रोपाइल पैराबिन मिला हुआ है। लिस्ट नंबर दो में हमारे पास आता है रूप मंत्रा लिस्ट नंबर 3 और 4 से अच्छा है, लेकिन इसका क्रीम बेस एमुलेंट है या कुछ और, इसके बारे में कंपनी ने इसमें कुछ भी जानकारी नहीं दी है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं खादी नेचुरल्स के डे क्रीम, फेयरनेस क्रीम, ममा अर्थ और होम्योपैथिक क्रीम्स। ये क्रीम्स बहुत ही बढ़िया और वंडरफुल क्रीम्स हैं। इनमें कुछ में तो ना के बराबर या कहें बिल्कुल भी नहीं केमिकल मिला हुआ है।
मैं इनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इन खादिश क्रीम को बनाने में हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। इनमें ना कोई केमिकल कलर प्रिजर्वेटिव और ना ही कोई अन्य केमिकल मिलाए गए हैं। अगर होंगे भी तो मुश्किल से एकाक्त हो सकते हैं। अब होम्योपैथिक क्रीम्स में हमारे पास आते हैं मार्क्स गो, एक्यूफोलियम, सिल्क एंड स्टे, एक्यू प्लस और सौंदर्य। ये होम्योपैथिक दवाओं और नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों से मिलाकर बनाया गया है, जैसे एलोवेरा, कैलेंडुला, थूजा, बर्बेरीस, स्टेरिक एसिड, ग्लिसरील और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कैलेंडुला, थूजा, बर्बेरी जैसी बेस्ट दवाओं का इस्तेमाल किया गया है। कैलेंडुला के बारे में शायद आप लोग जानते हों, ये एंटीसेप्टिक दवा है। इसको आप खरीद के नॉर्मली आप डिटॉल की तरह भी लगा सकते हैं, डिटॉल से बेटर ये काम करती है। डिटॉल तो आपके स्किन पे अगर डायरेक्ट लगाया जाए तो जला देता है, लेकिन कैलेंडुला से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और थूजा आपके खील मुहासे इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट है। दोस्तों अंत में मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्रीम गोरा होने के लिए ख़रीद रहे हैं तो आपको दुनिया की कोई क्रीम गोरा नहीं कर सकती है। हाँ, वो थोड़ा बहुत आपको सनलाइट से बचा सकती है, लेकिन गोरा नहीं कर सकती आपको। गोरा होने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, कम से कम पित्त वाली चीज़ों को खाना पड़ेगा, वात पित्त कफ तीनों को बराबर रखना पड़ेगा आपको। जो व्यक्ति कफ प्रकृति का होता है उसका त्वचा और शरीर गोरा होता है अन्य के मुकाबले। गोरा होना आपके रहन सहन, जलवायु सभी चीज़ पर निर्भर करता है। ठंडी देशों में रहने वाले लोग गोरे इसीलिए होते हैं क्योंकि सनलाइट वहाँ पे बहुत कम पड़ती है लोगों पर। तो आप अगर गोरा होना चाहते हैं तो धूप में कम से कम निकलिए तो मुंह पे कपड़े बांध कर निकलिए। धूप लेना भी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, तो आप सुबह की धूप ले सकते हैं क्योंकि उससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। तो अपने रहन सहन में बदलाव कीजिए, मिर्च मसाला तली भुनी जंक फूड चीज़ें खाना बंद कीजिए जिससे आपके पेट में गर्मी बढ़े, नहीं तो खील मुहासे चेहरा काला होगा ही। और गोरा होना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। धूप में मुंह पर कपड़ा बांध के निकलिए और इन केमिकल्स फ्री क्रीम्स का इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो फिर किसी भी क्रीम का इस्तेमाल मत कीजिए। रात को सोते वक्त नारियल का तेल लगाइए, सबसे बेटर है वो। सुबह उठिए, साबुन से चेहरा धुल लीजिए, एकदम चेहरा प्लेन का प्लेन, चिकना का चिकना रहेगा। अगर आप हफ्ते दो चार महीने में कहीं पार्टी वोटी में जाते हैं तो कोई भी क्रीम आप लगा सकते हैं, कोई क्रीम नुकसान नहीं करेगी आपको। लेकिन आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप बढ़िया कमा धमा रहे हैं तो आप बढ़िया ही क्रीम लगाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों ETH चैनल पर।